हेलो दोस्तों सीबीएसई ने सीटेट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है अगर आप सर, केंद्र सरकार के स्कूलों में सीबीएसई में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट का टेस्ट पास करना पड़ता है और सी टेस्ट की जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से 16 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हो और इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको सी डेट डॉट एन आई सी डॉट इन पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और एग्ज़ाम इसका 1 दिसंबर 2024 को होगा अगर आपको केंद्रीय स्कूलों में मतलब सेंट्रल स्कूलों में पढ़ाना है तो आपको सी टैट का एग्ज़ाम पास करना पड़ता है भले ही आप बी एड भी हों तब भी आप सी टैट के बिना इसमें नहीं जा सकते हैं तो एक बार मैं दोबारा बता दूँ कि इसकी जो लास्ट डेट है वो सोलह अक्टूबर तक है वेबसाइट का नाम है सी टैट डॉट एन आई सी डॉट इन इससे पहले ही पता चला है कि कुछ फ़र्जी वेबसाइट भी अप्लाई करवा रही हैं तो उनसे बच के रहिए और खुद टाइप करके गूगल पे सर्च मत करिए सी टैट डॉट एन आई सी डॉट इन पर ही अप्लाई करना है आपको नहीं तो फिर आपके साथ भी घपला हो सकता है सेंट्रल स्कूलों के अलावा चंडीगढ़ दादरा एंड नगर हवेली दमन एंड दीव अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लक्षद्वीप और दिल्ली के स्कूलों में भी इसके आधार पर आप नौकरी पा सकते हैं इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय ये भी स्कूल इसी स्कोर को मानते हैं सी के लिए अगर मैं बात करूँगी इसमें फ़ीस कितनी लगेगी आपकी तो जो जनरल बच्चे हैं और ओ बच्चे नॉन क्रीमी लेयर ओ में नॉन क्रीमी लेयर को छूट मिलती है बस हालाँकि क्रीमी लेयर का जो रेंज है काफ़ी ज़्यादा है तो जनरल ओ को पेपर वन या पेपर टू में से कोई एक दे रहे हैं तो एक हज़ार रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी और अगर वो दोनों पेपर दे रहे हैं तो बारह सौ रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी हालांकि एस सी एस टी और दिव्यांग बच्चों के लिए पाँच सौ रुपये फ़ीस है तो ये यहाँ पर बहुत ज़रूरी है जानना कि एस सी एस टी और दिव्यांग बच्चे जो होते हैं पी उनके लिए पाँच फ़ीस है यानी कि छूट किसी को नहीं है इसमें पेपर वन और पेपर दो का ये दोनों दे रहे हैं एस सी और दिव्यांग तो इनको छः सौ रुपये देने पड़ेंगे यानी कि एस सी एस टी और दिव्यांग बच्चों की जो फीस है वो आधी है और जनरल ओ की फीस डबल है और जनरल में सबको देनी है और ओ में क्रीम लेयर जो बच्चे हैं उनको देनी पड़ेगी उसके अलावा जो क्रीम लेयर में नहीं आते हैं मतलब जिनकी इनकम कम है वो उनको फीस नहीं देनी पड़ेगी उनको वही फ़ीस देनी पड़ेगी जो औरों की तो सी टेट का फॉर्म काफ़ी अच्छा होता है करियर के लिए अगर आप टीचर बनना चाहते हैं सरकारी स्कूलों में तो इससे अच्छी कोई आपके पास मौका नहीं होगा मेरे ख्याल से तो फटाफट अपना फॉर्म भर दीजिए और कमेंट करिए कि आप सी टेट देने वाले हैं और अगर आपने पहले भी सी टेट दिया है तो आप वो भी कॉमेंट करिएगा कि आप कितनी बार सी टेट दे चुके हैं थैंक यू इस वीडियो को शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा